चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। फिरोजाबाद शहर की यात्रा को प्रारंभ करते हैं शहर के सबसे मुख्य एवं व्यस्त चौराहा आगरा गेट से। इस चौराहे पर विशाल भूभाग पर शहर का अति विख्यात जैन मंदिर स्थापित है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। आगरा गेट चौराहा से दक्षिण पूर्व की सड़क फिरोजाबाद के मुख्य शहरी क्षेत्र की ओर, उत्तर पूर्व में पुराना बाईपास मार्ग एवं उत्तर पश्चिम में जाने वाली मुख्य सड़क आगरा रोड के रूप में पहचानी जाती है। फिरोजाबाद जनपद में पंजीकृत होने वाले वाहनों को UP-83 से पहचाना जाता है। फिरोजाबाद को प्राचीन काल में चंदवार के रूप में जाना जाता था, जिसे अकबर के समय 1566 में मुगल सल्तनत के मनसबदार फिरोज शाह ने स्वयं के नाम पर फिरोजाबाद कर दिया। फिरोजाबाद में कांच से बने सामानों और चूड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थापित होने के कारण इसे सुहाग नगरी के रूप में भी जाना जाता है। मुख्य औद्योगिक क्षेत्र आगरा मार्ग पर ही स्थित है। सुहाग नगर, जैन नगर जैसे आधुनिक आवासीय क्षेत्र आगरा मार्ग से ही जुड़े हुए हैं। आगरा मार्ग राजा का ताल में नए बाईपास से जुड़कर टूंडला, आगरा, दिल्ली आदि की ओर प्रस्थान कर जाता है। आगरा गेट से दक्षिण पूर्व में शहर की ओर प्रवेश करने पर रोडवेज के फिरोजाबाद डिपो से साक्षात्कार होता है, जहां से आगरा, दिल्ली समेत आसपास के प्रमुख शहरों को बस सेवाएं संचालित होती हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर फिरोजाबाद नगर निगम का कार्यालय स्थित है। फिरोजाबाद नगर पालिका को 2014 में उच्चीकृत करके उत्तर प्रदेश के 14वें नगर निगम के रूप में पहचान मिली। दक्षिण पूर्व की ओर कुछ ही दूरी पर शहर का एक और मुख्य चौराहा गांधी पार्क चौराहा स्थित है। इस महत्वपूर्ण चौराहे पर स्वामी विवेकानंद जी की भव्य प्रतिमा स्थापित है। यहाँ उत्तर की ओर गांधी पार्क उद्यान स्थित है। दक्षिण पूर्व की ओर सड़क रेलवे स्टेशन मार्ग के रूप में चमचमाती इमारतों एवं वाणिज्यिक भवनों से होकर रेलवे स्टेशन की ओर प्रस्थान कर जाती है। लगभग 1 किलोमीटर लंबी यह सड़क फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन से जोड़ती है। फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन से दिल्ली हावड़ा मुख्य रेलमार्ग गुजरता है। गांधी पार्क चौराहा से दक्षिण पूर्व में रानीवाला मार्केट के रूप में फिरोजाबाद के मुख्य एवं पुराने बाजारों की ओर प्रवेश किया जाता है। फिरोजाबाद में वर्तमान में 8,90,000 की विशाल जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का 13वां, पश्चिम उत्तर प्रदेश का 8वां एवं आगरा मंडल में आगरा के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आगे बढ़ते हुए शहर का एक और मुख्य चौराहा सिनेमा सेंट्रल चौराहा दिखाई पड़ता है। यह चौराहा फिरोजाबाद शहर का केंद्र बिंदु है। यहाँ उत्तर में जलेसर मार्ग, दक्षिण में कटरा बाजार एवं दक्षिण पूर्व की ओर सदर बाजार प्रारंभ होता है। सदर बाजार फिरोजाबाद शहर में व्यापारिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र है। अनगिनत आधुनिक व्यापारिक प्रतिष्ठान दोनों ओर कतारबद्ध स्थापित हैं। इस बाजार के दक्षिण में लोहा मंडी एवं बजरिया जैसे मुख्य बाजार स्थित हैं। इसी बाजार में जामा मस्जिद, घंटाघर, छोटा चौराहा, इमामबाड़ा चौराहा आदि स्थित हैं। अंग्रेजों द्वारा 1803 में जिला प्रणाली लागू करने पर फिरोजाबाद को आगरा जनपद में सम्मिलित किया गया एवं तहसील का दर्जा प्रदान कर दिया गया। 1832 में सादाबाद के जिला बनने पर फिरोजाबाद तहसील को सादाबाद में शामिल किया गया, किंतु एक वर्ष बाद 1833 में फिरोजाबाद को पुनः आगरा जनपद से ही जोड़ दिया गया। 1960 के बाद फिरोजाबाद औद्योगिक एवं व्यापारिक दृष्टि से तेजी से विकसित हुआ एवं यहां जिला बनाने को आंदोलन जोर पकड़ने लगे। लंबे संघर्ष के पश्चात 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा की फिरोजाबाद तहसील एवं एतमादपुर तहसील के कुछ गांवों समेत मैनपुरी जनपद की शिकोहाबाद तहसील को जोड़कर फिरोजाबाद जनपद की स्थापना कर दी गई। सदर बाजार दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हुए मैनपुरी गेट, नालबंद पुलिस चौकी होकर रसूलपुर क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। फिरोजाबाद शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु शहर को 5 थाना कोतवाली क्षेत्रों, कोतवाली उत्तर, कोतवाली दक्षिण, थाना लाइन पार, थाना रसूलपुर एवं थाना रामगढ़ में विभाजित किया गया है। फिरोजाबाद जनपद को वर्तमान में कुल 5 तहसीलों में बांटा गया है, फिरोजाबाद सदर, शिकोहाबाद, सिरसागंज, जसराना एवं टूंडला। रसूलपुर से गुजरने वाली यह मुख्य सड़क अपने पूर्वी छोर पर रसूलपुर थाना के निकट पुराने बाईपास से जुड़ जाती है।
पुराना बाईपास आगरा गेट से जलेसर चौराहा, कोटला चुंगी आदि होकर यहाँ पहुँचता है एवं आसफाबाद चौराहा होकर शिकोहाबाद की ओर प्रस्थान कर जाता है। आसफाबाद चौराहा से दक्षिण में एक मुख्य सड़क आगरा जनपद के फतेहाबाद की ओर जाती है। शिकोहाबाद मार्ग पर ही डबरई में जिला मुख्यालय स्थापित है, जहाँ जिला एवं सत्र न्यायालय, जिलाधिकारी कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय समेत जिला स्तर के समस्त कार्यालय स्थापित किए गए हैं। शहर के सिनेमा चौराहा से उत्तर में प्रारंभ होने वाली सड़क जलेसर रोड भी शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में एक है। यहाँ वर्तमान में पूर्णतः बाजार विकसित हो चुके हैं। फिरोजाबाद शहर में बड़ा औद्योगिक केंद्र होने के कारण यहाँ 1990 के बाद आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है, जिस कारण शहर की पुरानी सड़कें बेहद छोटी पड़ गई हैं। यहाँ घनी आबादी वाला क्षेत्र बसने के कारण शहर का अधिकांश समय जाम की समस्या से ग्रस्त रहता है। जलेसर रोड बर्फखाना चौराहा, गांधीनगर चौराहा आदि से होकर गुजरता है। बर्फखाना चौराहा से पूर्व में सर्कुलर मार्ग प्रारंभ होता है, जो शहर की मुख्य सड़कों में एक है। जलेसर मार्ग उत्तर की ओर बढ़ते हुए जलेसर चौराहा पर पहुंचता है, जहां ऊपरगामी सेतु से पुराना बाईपास गुजरता है। उत्तर की ओर जलेसर मार्ग शहर में लगभग 3 किलोमीटर घनी आबादी वाले क्षेत्र से गुजरता है एवं ककराऊ चौराहा से होकर जलेसर की ओर प्रस्थान कर जाता है। फिरोजाबाद शहर में पूर्व समय में 6 सिनेमाघर भी संचालित होते थे, जो वर्तमान में दर्शकों की कमी के चलते बंद पड़े हुए हैं। आगरा की ओर से आने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग फिरोजाबाद शहर के उत्तर से बाईपास होकर शिकोहाबाद कानपुर की ओर प्रस्थान कर जाता है। फिरोजाबाद शहर में आना, इसे कैमरे में कैद करना मेरे लिए सौभाग्य का विषय था। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिरोजाबाद शहर पर बनाया यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने मित्रों एवं प्रियजनों के साथ शेयर करें, जो फिरोजाबाद जनपद एवं इसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।